नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। डीके शिवकुमार को राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड में भेजा। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीके शिवकुमार को कल गिरफ्तार किया गया था और आज ईडी की तरफ से केएम नटराजन पेश हुए थे और उन्होंने कहा है कि डीके शिवकुमार का मेडिकल चेकअप कराया गया और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से शिवकुमार ठीक है। आपको बता दें कि साल 2017 में आयकर विभाग ने शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें से दिल्ली के एक ठिकानों पर करीबन 8 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। आयकर विभाग ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी जिसके बाद आयकर विभाग के आरोप पत्र के आधार पर ईडी ने डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुकदमे दर्ज किए हैं। जम्मू कश्मीर के मेक ओवर का ब्लूप्रिंट तैयार, इस तरह से प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार। जम्मू और कश्मीर में कायाकल्प की तैयारी हो चुकी है, ब्लूप्रिंट तैयार है और बस इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश तेज हो गई है। जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ाने और मौजूदा हालात को और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार कई तरह के प्लान पर काम कर रही है। इसी प्लान के तहत जम्मू और कश्मीर में सरकार इनोवेटिव सबमिट करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जम्मू और कश्मीर में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश हो। सरकार की कोशिश है कि पहले चरण में कम से कम जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का निवेश हो। इसके लिए बाकायदा 30 कंपनियों का चयन भी हो चुका है। ओवर के इस प्लान के तहत जहां एक तरफ जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ने की जरूरत होगी, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों और निवेश लाकर के जम्मू और कश्मीर में अलग अलग सेक्टर के लिए नए इंडस्ट्री की जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में हुड्डा के सामने झुका कांग्रेस आलाकमान, चुनाव कमेटी और विधायक दल की कमान दी शैलजा बनी अध्यक्ष। कांग्रेस के खिलाफ बगावत तेवर अपनाने वाले हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने पार्टी झुक गई है। हुड्डा की मांग को मानते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक तंवर को राज्य प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता के साथ चुनाव प्रधान समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राज्य में अध्यक्ष पद की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार शैलजा के हाथों सौंप दिया गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ मोर्चा खोलकर के पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। कुछ दिन पहले हुड्डा ने रोहतक में एक रैली संबोधित करते हुए पार्टी में बने रहने और छोड़ने को लेकर के एक कमेटी बनाई थी। हुड्डा ने इस रैली में पार्टी के कश्मीर पर लिए गए एक गेस्ट पर भी विरोध किया था। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्ष के वकील बोले, हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी। अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 19वें दिन की बहस हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवल की ओर से बहस शुरू हुई। राजीव धवल ने कोर्ट को बताया है कि इकबाल अंसारी के बेटे हाशिम पर हमला हुआ, वह भी इस मामले की याचिका करता है। राजीव धवल ने कहा है कि 1858 से पहले सभी गजेटियर पर कोर्ट को भरोसा नहीं कर सकता है। 1858 में पहले ही गजेटियर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैयार किए गए थे। सभी गजेटियर एक विशेष तरीके से विवाद के लिए जमा किए गए थे। राजीव धवल ने कहा है कि हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी लेकिन टाइटल मुसलमानों का था। हिंदू पूजा करना चाहते थे, मुसलमानों ने उन्हें अनुमति दी लेकिन टाइटल हमेशा मुसलमानों का था। फेसबुक ने किया बड़ा बदलाव, बंद हो रहा है आपका सबसे पसंदीदा फीचर। फेसबुक जल्द ही एक ऐसे फीचर को बंद करने जा रहा है जो यूजर्स को काफी पसंद है। दरअसल फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से लाइक अकाउंट को बंद करने जा रहा है। फेसबुक ने मंगलवार को पुष्टि की है कि जल्द ही आपके पोस्ट को मिलने वाले लाइक्स की संख्या को आपके दोस्त और बाकी यूजर्स को देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल इस तरह के बदलाव फोटो, वीडियोज या कमेंट पर मिलने वाले लाइक्स की संख्या में दिलचस्पी को समाप्त कर देगी और लोग पोस्ट और कमेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे। बात करें लाइक्स काउंट की तो यह एक ऐसा फीचर है जो शायद ही किसी व्यक्ति को पसंद न हो। ज्यादातर यूजर्स कुछ ही अपलोड करते हैं तो उनका सारा ध्यान फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट पर कितने लाइक्स हैं उस पर रहता है। फेसबुक के मालिकाना हक वाले इंस्टाग्राम ने इस वर्ष की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह वीडियो देखने वालों की संख्या और उसे लाइक करने वालों की संख्या को कम से कम 6 देशों में छिपाने का प्रयास कर रहा है। जहां जिसका अकाउंट है वह तो लाइक्स की संख्या देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें, बोले, मैं भी चाहता हूं कि स्ट्रिंग का सच सबके सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। पी चिदंबरम के बाद सीबीआई उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज किया है। विधायक खरीद फरोश के मामले में सीबीआई ने यह केस दर्ज किया है। अब 20 सितंबर को नैनी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि साल 2016 में सामने आए स्ट्रिंग वीडियो मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि स्ट्रिंग का सच सबके सामने आना चाहिए, उनका न्यायिक विश्लेषण बहुत जरूरी है। हरीश रावत ने कहा है कि यह जो स्ट्रिंग कल्चर आया है इसमें 2 और स्ट्रिंग हुए हैं और उनमें भी लोगों को रुचि जगेगी जो उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं। पाकिस्तान का 1971 से भी बुरा हाल उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में लगा हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान अपने मंसूबों पर नाकाम हो रहा है। भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JKS ढिल्लन ने बताया है कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले माहौल खराब होने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय सेना ने कहा है कि हमें हर तरफ से संदेश मिला हुआ है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने हैं। 1971 याद कर ले पाकिस्तान, ऐसा जवाब देंगे कि उसकी पुश्ते याद रखेगी।
अगर आपको लगता है कि गलत काटा गया है चालान तो आपके पास ये अधिकार होंगे। देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े मामले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। पहला मामला स्कूटी को लेकर के है जिसमें 23,000 रुपए का चालान काटा गया है। इसके अलावा एक ऑटो वाले पर 32,000 रुपए और ट्रैक्टर ट्रोली वाले पर 59,000 रुपए का जुर्माने का मामला सामने आया है। इस बड़ी रकम को लेकर के सभी की टेंशन बढ़ा दी है। इस सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट के वकील नील प्रताप सिंह ने बताया है कि अगर आपका चालान काटा गया है तो पुलिस आपको अनस्टॉप चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मौजूदा समय में आपके पास 2 अधिकार होंगे। पहला ये तो आप संबंधित इलाके की कोर्ट में जाकर के चालान का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा ये होगा कि इसके अलावा संबंधित कोर्ट में जाकर के आप इसका विरोध भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पॉपुलेशन चेक, इंश्योरेंस और RC जैसे कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखाते हैं तो पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा कि आपकी गाड़ी को जब्त कर ले। राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे को दिया बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगी बंगले और आजीवन सुविधाएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ऐसे में वसुंधरा राजे को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें बंगला खाली करने पड़ेंगे। अदालत ने इसी के साथ ही वसुंधरा राजे सरकार द्वारा साल 2017 में लाए गए राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 का भी अयोग्य करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों की आजीवन सुविधा देने वाली एक जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस प्रताप गुप्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। साल भर सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा करतारपुर कॉरिडोर। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत सफल। सिख श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित करतारपुर गलियारे के मसौदे समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान के बीच बुधवार को तीसरे दौरे की बातचीत सफल रही है। अधिकारियों ने बताया है कि भारत पाकिस्तान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के बिना वीजा और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव यात्रा करने पर राजी हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान इस पर सहमत हुए हैं कि गलियारे के माध्यम से प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालु करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का दर्शन करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि करतारपुर गुरुद्वारा परिषद में भारतीय महावाणिज्य या प्रोटोकॉल अधिकारियों के आने की अनुमति देने पर पाकिस्तान ने अनिच्छा दिखाई है। वहीं एक सूत्र ने बताया है कि करतारपुर गलियारा साल भर सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा। अधिकारियों ने बताया है कि भारत ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा शुल्क वसूलने पर पाकिस्तान की असहमति जताई है। अमृतसर के अटारी में हो रही संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए 20 सदस्य पाकिस्तानी प्रतिमंडल भारत पहुंचा था। अयोध्या में इस बार पहले से भी भव्य दिवाली मनाने की तैयारी में है योगी सरकार। अयोध्या में दिवाली का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर योगी सरकार साल 2018 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस बार भी अयोध्या में दिवाली का भव्य आयोजन किए जाने की तैयारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामकथा पार्क पर पुनर्मंच तोड़ करके उसे 2 बड़े अस्थायी मंच बनाने के लिए 3.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बार आयोजन में सबसे ऊपर भगवान राम का सिंहासन बनाया जाएगा। इसके नीचे बने हुए मंच पर योगी आदित्यनाथ और अपने मंत्रियों के साथ बैठेंगे। इस हफ्ते के भीतर ही 20 तारीख का काम शुरू कर दिया जाएगा जिसे आगामी 26 अक्टूबर से पहले इसका काम पूरा करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरयू किनारे बने खास हेलीपैड पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत करने खुद योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल दिखाई देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंसाह अल्लाह कभी नहीं हो सकता। विवादित बोल जिसकी पहचान बन चुकी है उस AIMIM नेता के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंसाह अल्लाह कभी नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ट्वीट के जवाब में अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात लिखी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत को सभी भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ हिंदू ही नहीं, टू नेशन थ्योरी के उपासक कभी नहीं समझ सकते कि यह देश किसी एक मत में बहुत बहुत बड़ा है। संविधान कहता है कि भारत हर मत, संप्रदाय और जाति को समानता प्रदान करेगा। यह एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंसाह अल्लाह कभी नहीं हो सकता। हम ऐसे देश में रहते हैं जिन्होंने कई पीड़ित समुदायों का स्वागत किया है। वे संभावित नागरिक नहीं है। धर्म कभी भी नागरिकता पर आधारित नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। जब उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, गोडसे की औलाद इसकी आसानी से नहीं समझ सकते। व्लादिवोस्तोक में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा, आंतरिक मसलों में बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रमुख राजनयिक सहयोगी रूस के दौरे पर हैं। यहां व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी आज 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। इसमें से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संयुक्त बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी किए गए हैं। इस बैठक के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है, साथ ही मौजूदा सरकार के दौरान हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है। पुतिन ने कहा है कि वैश्विक मुद्दे पर मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में रहा हूं। उन्होंने कहा है कि रक्षा, ऊर्जा जैसे कई क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री पाक दौरे से सीधा भारत आना चाहते थे, नई दिल्ली ने कहा फिलहाल न आए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस सप्ताहांत पर चीन की यात्रा के बाद नई दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन भारत ने विनम्रता के साथ उन्हें अपना दौरा पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा है। भारत सरकार द्वारा अगस्त में जम्मू कश्मीर पर विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के मुद्दे पर पाकिस्तान के विलाप के बाद विंग 7 सितंबर को इस्लामाबाद के दौरे पर आने वाले हैं।
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? इसका जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।